मैं भी स्कूल से भीग भाग के, देखो सर्वर अपना ये देख बैठे नंगोड़ू, ये नंगोड़ू ये हर वक्त अपने हाथ लेके अपना ब्लॉग बनाते रहते। कैसा गया स्कूल में आज का दिन? बहुत अच्छा गया। वेरी गुड गया गाइस। हाँ, और कैसे चल रही है रिवीजन? अच्छी चल रही है। अच्छे से बेटू ध्यान देके सब लिखो, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है? मम्मी मैं कभी कभार एक और चीज से देखो, इनका शमम आ गया, इन्होंने मम्मी का दुपट्टा ओढ़ लिया। नंगोड़ू बाबा, ए नंगोड़ू बाबू, क्या क्या किया बताओ मुझे जल्दी से स्कूल में आज? बताओ जल्दी से। टिफिन पूरा खाया था, खत्म किया था? हाँ। बोलो। हाँ, किया था। अच्छा लगा था? हाँ। पूरा पुलाव फिनिश किया ना? और इंग्लिश वाला कंप्लीट किया था, जो एक लेसन रह गया था? सैटरडे संडे फिर दो दिन रह जाएगा, तो क्यों दोस्त लोग से किसी से ले लेने का ना, एक पेज पे रफ बुक तुमको हमेशा देते, उसमें उतार लेने का जल्दी जल्दी। ये छुट्टी नहीं करवाती हूँ मैं एक भी दिन की, क्योंकि होमवर्क मिस होता है फिर तुम ले नहीं पाते हो फिर किसी से। सॉरी। नहीं, अब छुट्टी का नाम नहीं लेना फिर, अभी मुझे फिर भारी पड़ता है, स्कूल भागो वहां से, लो होमवर्क, उसके बाद में फिर टीचर लोग थोड़ी ना देते मिस होने के बाद में, बोल देंगे तुम्हारी तुमने छुट्टी क्यों करी। रूल्स वाले में गए हो तो उसके रूल्स फॉलो करो, एक बार भेजने के बाद दोबारा नहीं भेजती है वो होमवर्क पे, इसमें मेरा मिस हो गया ना, ये बात है बहुत ज्यादा। डैडी से बोलूं? नहीं सॉरी। इतने अच्छे हो पढ़ने में, टॉपर हो माशाल्लाह से स्कूल के। क्या बोली थी प्रिंसिपल मैम उनको, क्या बोली थी प्रिंसिपल मैम? बोली थी कि गाजी पढ़ने में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा पढ़ाई में है, और वो उसको सबको चाहते हैं, बहुत अच्छी तारीफ की है। हाँ। बहुत अच्छी। अब बेटू प्रिंसिपल मैम की नजर में भी आ चुके हो तो अच्छे से थोड़ा बिहेवियर रखो, अपना जो शैतानी तुम्हें ला रहे हो ना अपने अंदर, ये सब मत लाओ, ठीक है? प्रिंसिपल मैम भी आपको पहचान गए कि टॉपर बच्चा है ये स्कूल का, समझ में आया ना? हाँ, नाम भी अब तो पता चल गया उनको आपका, गाजी। कोई गलती नहीं, गाजी की मम्मी के नाम से मैं फेमस होती जा रही हूँ। गाजी हैदर, चलो अच्छी बात है, मेरे लिए प्राउड का मोमेंट। क्या खाना है अभी? नाश्ता बताओ। नाश्ता होता है ये लड़के को हमेशा चिकन चाहिए होता है, वो तो खाने में बनाऊंगे ना डिनर में चिकन। जल्दी बोलो, सैंडविच बना दूं? चीज सैंडविच चाय हो, चीज सैंडविच खाते हम लोग, है ना? तो गाइस चलो मैं बनाने जा रही हूँ अभी गाजी के लिए और अपने लिए भी, फिर बनाऊंगी एक चीज सैंडविच और नाश्ता हम लोग करने जा रहे हैं फिर अभी। हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में अगेन एंड अगेन। तो हो रही है शाम और मैं बनाने जा रही हूँ गाजी के लिए चीज़ सैंडविच, और सोचा मैं भी खा लूँ एक। वैसे तो वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा सा ये सब चीज़ अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल तो भूख लगी है तो इसलिए चाय बनाऊँगी अभी। और बाहर हो रही है बारिश हल्की हल्की रिम झिम सी, और मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ सैंडविच, और बस फिर खा के उसके बाद में मैं बनाऊँगी खाना वगैरह, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है दो तीन दिन से, तो काम थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ के लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, दवा खा के सोचा शाम में कर लूँगी, तो पूरा घर ऐसे ही पड़ा है मेरा। तो अभी जा रही हूँ काजी को नाश्ता दूँगी, उसके बाद किचन साफ़ करके फटाफट डिनर की तैयारी करूँगी। और आज मैंने व्लॉग शुरू किया है शाम से, सुबह से नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बोला ना आप लोगों को कि तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस चलिए चलते हैं हमारे किचन की तरफ, बनाते हैं गाजी के लिए और अपने लिए सैंडविच, चीज़ सैंडविच, और इन्जॉय करते हैं हमारी शाम की चाय। उनका हाल है कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं किया है मैंने, तीन दिन से बुखार और भीग गई थी थोड़ा बारिश में ना, तो बुखार सर्दी हो गया और पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो दवा खा के कल रात में दवा लेकर आए थे तो दवा खा के मैं अभी सोई थी। वो इतनी नशीली दवा के खाओ तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना नशा करके इंसान सो रहा है, तो मुझे वैसे भी दवा वगैरह नहीं चलती है, नींद बहुत आती है। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में, थोड़ी सी करते हैं सफाई, गाजी को बना के देते हैं सैंडविच और फिर करते हैं हमारे डिनर की तैयारी। तो फ्रेंड्स ये देखो बन के आ गया गाजी का सैंडविच। गाजी थोड़ा सा बताओ, ये देखो बन गया, वो तो ब्लैंकेट वगैरह लेकर बैठे हैं, ये ऐसे पकड़ो तो मम्मी देखो तोड़ के बता दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनाया हमारा सैंडविच, बहुत गर्म है, सो डिलीशियस। ये देखो बन के तैयार हुआ है मस्त, ये हमारा चीज़ सैंडविच। कैसे बनाया देखिए,
करवाइए, आप लोग इंजॉय कीजिए हमारे साथ में। अभी गाजी को बना के दे रहे क्योंकि उसको किनारे नहीं चाहिए होते हैं ब्रेड के, और मैं किनारे के साथ में इसको जो वेस्ट करते हैं बहुत दिल दुखता है, मैं खा लेती हूँ। खाओ, हम बना लिया अपने आपको। हाँ हे फ्रेंड्स, तो बन चुकी हम लोगों की चाय, देखिए येलो वाली मेरी है, ग्रीन वाली है गाजी की, और यहाँ चल रही है दुआ सिमात, हो रहा है मगरिब का टाइम, और ये है गाजी। मेरी मम्मी ना मुझे ग्रीन कलर का मेरा फेवरेट कार्टून वाला पॉ पेट्रोल वाला मुझे कब दिलाई है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अरे बाप रे बाप, अच्छा लगा आपको ये? बहुत अच्छा लगा, इनको अच्छा लग रहा था ये पो पेट्रोल वाला कप। छोटे बन से देखता है ना कार्टून गाजी। चाय पियो जल्दी से, अदरक वाली चाय मस्त ठंडी में पी जाओ। अभी मैं खा रही हूँ मेरा सैंडविच, और बनाए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीजम, आप भी आइए खाइए। ये देखिए मैंने एक बाइट मार भी लिया इसके अंदर से, और ये है मेरी चाय, और चाय पीने जा रही हूँ अभी, आइए आप सब भी। जल्दी चाय ठंडी हो रही है, तो चाय बनवा के सैंडविच खा लिया, खाली ऐसी करता है, चाय थोड़ी सी पीता, दो तीन सिप और छोड़ देता है। उठो जल्दी, पेट बंद करो, हिंदी बात, उठो जल्दी उठो, बिस्तर तोड़ रहे हैं, थक जाता है यार, कोई नहीं थकते, बच्चे बच्चे और थके, बच्चे तो कभी थकते ही नहीं है, नहीं बच्चे कभी नहीं थकते बच्चे। क्या है 12 बजे 6 बजे तक 6 घंटे की तो बात है सिर्फ, 6 घंटे स्कूल में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, 6 घंटा कुछ नहीं, 6 आवर्स कुछ नहीं होता। आप सोच रहे मैं इसको ट्यूशन में फेंक दूं ले जाके, है ना, मैं पढ़ाना 2020 से तो मैं पढ़ा ही रही हूँ इसको घर में, लॉकडाउन वाले टाइम से मैंने इसको पढ़ाना स्टार्ट किया था, अब बाहर डाल दूं। जब कुछ भी नहीं था तब तक सोचा भी नहीं था मम्मी ने कि मम्मी चैनल बनाएगी ब्लॉग का, ये तो अभी अकेली हूँ तो वही हिसाब से कर लेती हूँ थोड़ा, और अपने लिए कुछ करना है, खुद से खुद के लिए कुछ करना है इंशाल्लाह इमाम ज़माना अलैहि सलाम के सदक़े। तो जल्दी चाय पियो गाइस, आप लोग मेरी मम्मी डैडी और मेरे लिए, हम तीनों के लिए दुआ करिए, बहुत सारी दुआ करिए, मेरे डैडी के काम के लिए दुआ करिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये चाय पियो जल्दी से, चलो खत्म करो, देखते हैं मम्मी की चाय खत्म होती है पहले या गाजी की, चलो रेस लगाते हैं ना, अब पी लेगा देखना बहस में। पियो पियो, चलो चलो कौन पीता, देखो 1 स्टार्ट। हाँ ना देखो फ्रेंड्स, मैं हार गई हूँ और गाजी जीत गया, देखो बोला मम्मा, बोला मैं जीत गया, मैं आप हार गई। क्यों? मैं जीत गई हूँ, देखो मेरा कप खत्म हो गया, कप खाली नहीं है, देखो दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई, हल्की सी भी गर्म होती ना चाय पी नहीं पाता, ऐसी करता है हमेशा, ऐसी करता है, मेरी चाय खत्म हो गई बोलता है मम्मा, ऐसा बोल लो मैं जीत गया। इतना सा भी गर्म होता है ना, तो उसको इतना सा भी गर्म चाय पीता है एकदम ठंडी करके, बिल्कुल ठंडी पाला चाय करके। अभी भी बाकी है उसकी चाय, देखो मैं दिखाती हूँ आप लोग, ये देखो अभी भी इतनी बाकी है। क्या चीटिंग? आपकी पहले से ठंडी थी इसलिए आपने पी ली, मेरी गरम थी मैं नहीं पी पाया ना गाइस। नहीं तो जितनी गरम मम्मा की थी उतनी ही आपकी भी थी, लेकिन आपको तो ठंडी पानी जैसी चाहिए, तो चाय का फायदा क्या, हल्की गुनगुनी तो होनी चाहिए, तुम्हें तो एकदम ठंडी चाहिए होती है, देखो अब एकदम ठंडी कर ली इसने पानी, देखो कैसे मुंह में सिप लेके पी गया, इतनी ठंडी चाय में तो मुझे तो उगलाई आ जाए। हाँ ये पीछे से फर्स्ट आए, ये पीछे से फर्स्ट है, स्कूल में फर्स्ट आते इसका मतलब क्या, हर जगह थोड़ी ना फर्स्ट आओगे, मम्मा से थोड़ी ना जीत सकते हो। कहाँ बाकी है, जबरदस्ती चाट थोड़ी ना लूंगी उसको, मजा बांध से खत्म। चलो अब चलते हैं हम जल्दी से खाना बनाने की तरफ। आज क्या बनाऊँ, चिकन लेकर आई हूँ। हाँ। तो क्या बनाऊँ चिकन का? चिकन तंदूरी। तुम तो वही बोलोगे खाली, डैडी ने कहा ग्रेवी वाला बनाओ, तंदूरी बघारा हुआ चावल पुलाव सादा, और चिकन ग्रेवी और चपाती रोटी। चलो ठीक है गाइस, वुल्फ बैठ जाओ बस, चलो सीधा सीधा बस, खत्म होने वाली है दुआ नमाज के लिए फौरन। गाजी जरा भी नहीं, मैं बहुत मार दूंगा, जो मेरा जुमा तुम्हारे पास शैतान चढ़ा रहता है ना ऊपर पूरी तरीके से, फटाफट उठो। मिसी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी मैं नहीं सुनूंगी इस चीज में, जरा भी नहीं, सब खाया पिया सब निकाल दूंगी मैं, बंद कर दूंगी बाथरूम में, नहीं नमाज के लिए कोई भी रियायत नहीं, हम लोग को तो खाना नहीं देती थी नन्ना, पता है। चलो उठ जाओ फटाफट, हाँ जल्दी उठो फटाफट, नमाज के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हर चीज देंगे तुमको, हर चीज करेंगे तुम्हारी पूरी, लेकिन नमाज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चलो उठो फटाफट। अच्छा बेटा है, जानमाज बिछा रही, फटाफट वजू करो, उठो, चलो देखा मेरा बच्चा बहुत अच्छा है।
तू फ्रेंड्स मना करता है पर देखो पढ़ने बैठ जाता है माशाल्लाह से। हंस रहा देखो, हंसते नहीं, दुआ मांगो अच्छे से मांगो। मगरिब की पढ़ चुके हैं नमाज, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बोलता है, मैं बोलती मैं जा रही हूँ, फिर नन्ना के यहाँ जा रही हूँ, मैं छोड़ के जा रही हूँ तुमको, तो कहते नहीं मम्मी नहीं मम्मी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, जल्दी से जल्दी से। फिर बैठ जाता है पढ़ने। तो मैं जा रही हूँ अभी बर्तन धोने के लिए। तो मैंने लिए हैं कुछ मसाले जो पीसने में डालने हैं मुझे, जिसमें है मेरे पास एक टमाटर था बड़ा, ये लहसुन है, और ये एक से डेढ़ इंच का अदरक का टुकड़ा था, एक प्याज जो मैंने काटी है फाइन, मतलब नॉर्मली चॉप कर लिया, इसको फाइन चॉप नहीं किया अच्छे से मैंने, इसको रफली चॉप कर लिया है क्योंकि मुझे पीसने में लेनी है, और ये कुछ हरी मिर्चें हैं मेरे पास में। ये मैंने हरी मिर्च कम इसलिए लिए क्योंकि जैसे आप लोगों को बताया कि हम लोग की तबीयतें ख़राब हैं और मेरे हस्बैंड को बुखार की वजह से मुंह में छाले आए हुए, तो इसलिए मैं मिर्ची थोड़ा कम ही डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और ये है प्याज, दो प्याज मैंने ली थी, एक मैंने पीसने में डाली है और एक मैं जो बघारूंगी चिकन को, इसलिए मैंने इसको अच्छे से फाइन चॉप कर लिया, और ये मैंने रफली चॉप किया है क्योंकि मुझे पीसना है। तो देख लीजिए आप लोग ये पीसने वाले मसाले, गरम मसाला कुछ भी नहीं पीसना है, मैं ज़्यादातर अक्खा ही गरम मसाला यूज़ करती हूँ क्योंकि पीसे हुए गरम मसाले से ना बहुत ज़्यादा सीना जलता है हम लोगों का। तो ये सिर्फ पीसने के लिए है, और चिकन जब मैं फ्राई करूँगी तो अक्खे गरम मसाले सिर्फ उसके अंदर ही डालूँगी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। चलो ये हम लोग पीस लेते हैं। मेरा ना स्टैंड टूट गया मोबाइल का वीडियो बनाने वाला, तो इसलिए मुझे इसको हाथ में होल्ड करना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। देखो मैं कितनी मुश्किल से बना रही हूँ वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर सारा अक्खा मसाला, और मैं इसको अभी बारीक पीस लूँगी। और ये चिकन को फ्राई करने के लिए मेरे पास ये कुछ गरम मसाले हैं खड़े, लौंग मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी इसलिए दो ही लौंग मैंने डाली है खाली, और ये एक प्याज है, और ये कुछ गरम मसाले हैं। ये हम फ्राई करते हैं चिकन को। सबसे पहले मेरे पास पूरा एक किलो चिकन है, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, आटा लगा के धो लिया और पूरा साफ़ कर लिया है, लेकिन मैं पूरा नहीं लूँगी, इसमें से मैं थोड़ा निकाल लूँगी गोश्त वाले पीस, क्योंकि गाजी को वो ही करके देना होता है, वो सालन का गोश्त नहीं खाता है, इसलिए थोड़ा सा उसको अलग मसाला लगा के फ्राई कर देती हूँ मैं, उससे रोटी खा लेता है। इतना चिकन मैंने निकाल लिया इसमें से पाव किलो के करीब, और ये पौना किलो तक मेरे पास चिकन है। कुकर मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए चिकना, जितना रोगन आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन जो मेरे खाने का चम्मच है वो मैं एक चम्मच भर के ऑयल डालूंगी, उसी में चिकन फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद में उसी में मसाला भी भूनूंगी। इसके साथ मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए थे जो कि बन चुके हैं मेरे चावल। चावल बहुत थोड़े से ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ चावल बहुत कम खाया जाता है, हम लोगों को रोटी पसंद है, बाद में दो धोने वाले चावल के खाली हम लोग खा लेते हैं बस। यहाँ मेरा तेल गरम हो रहा है, तेल गरम हो जाएगा तो हमें इसमें प्याज और गरम मसाले अच्छे से तड़का लेने, उसके बाद हम ऐड करेंगे उसमें चिकन और नमक। तो चलिए तेल गरम हो चुका है, इसमें डालते हैं मसाले। मसाले तेल में जाने के बाद थोड़े तड़कते हैं तो अपनी सेफ्टी भी ज़रूर रखें। बिस्मिल्लाह, अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर प्याज। ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है क्योंकि आपको चिकन के साथ ही जल जाएगी, वरना चिकन जब तक तलेगा ये जल जाएगी, तो हल्का ही लाइट ब्राउन होने पर ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, तो आपने चिकन ऐड करना इसके अंदर, और वो चिकन के साथ साथ ही प्याज भी ब्राउन हो जाएगी आपकी। स्टेज पे हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है इसमें, और इसको नमक डाल के अच्छे से
फ्राई कर लेना जब तक कि आपका गोश्त ब्राउन नहीं हो जाता है। आटा लेकर आए थे हस्बैंड, तो इसको पलटना है डब्बे में। खुला वैसे डाल दिया था, देखो तुम्हारी गाड़ी में, मैंने तो डब्बे में डाल दिया, खुला हुआ डाल दिया। कोई काम सही से नहीं करते यार, पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा आटा मेरे घर में फिनिश हुआ है। बिस्मिल्लाह की बरकत है, दो ही आटे मेरे घर में खाए जाते हैं, तो फॉर्चून या फिर आशीर्वाद, इसके अलावा अब कोई साथ नहीं। बहुत मजबूरी, अगर नहीं मिला तो ले लेती हूँ दूसरा, नहीं तो 99.9% नहीं लेती आटा लाती हूँ, आशीर्वाद या फिर फॉर्चून। रोटी बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट रहती है, बासी होने की बात ही ना, ऐसा नहीं लगता कि बासी रोटी है। एक थैली पलट दिया है, दूसरी थैली पूरी नहीं आएगी इसके अंदर, इसलिए इसको ऐसे रहने दूँगी। अभी एक ही थैली मैंने खोली है 5 किलो, अभी मुझे निकालना है इसके लिए, पकाने के लिए आटा भून कर देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह नाश्ते के लिए चाहिए होता है टिफिन के लिए ना इनके, और एनी टाइम मेरे घर में कभी भी रोटी पराठे की डिमांड होती है, तो इसलिए मैं आटा भून के फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ आटे को। मैं भून कर रखती हूँ आटा फ्रिज में 2 दिन का, मतलब जैसे आज बनाऊँगी और कल का हो जाएगा, ऐसा अपनी तबीयत के हिसाब से काम करती हूँ। थोड़ा थोड़ा अब शायद आ जाए दूसरा वाला, अब आ जाएगा। बच्चे बाहर, बच्चे चाली में खेल रहे हैं। ये मेरे महीने भर की छुट्टी होगी, 10 किलो आटा में मेरे 1 महीने की छुट्टी होगी, अलहमदुल्ला। डीमार्ट गई, जरूरत नहीं छुट्टी, तो सोचा ये आपने ऑनलाइन मंगा लिया था। मैं जल्दी जल्दी आटा भून लेती हूँ, कचरा रखने के काम आपने कर लिया। तो यहाँ मेरा चिकन देखिए ब्राउन हो चुका है अच्छा खासा, मैं 2 मिनट और इसको तलूँगी कि थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए। और इसी बीच आ गया पानी, और पानी भी मैंने लगा दिया है, देखो वायर पड़ा है, हम लोग के यहाँ से पानी भरा जाता है। बाहर से ही कनेक्शन कर दिया टंकी का, अंदर पाइप लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो ऐसे भर जाता है पानी बाहर ही बाहर, खाली वायर ला के लगाना पड़ता है ऐसे नीचे से। तो चलिए चलते हैं, मैं खाने की तरफ। ये हो चुका है ब्राउन, अब इसमें मेल्ट करेंगे मसाला। एक इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले मैंने डाले हैं, जिसमें 1 चम्मच पिसी मिर्ची है, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी ली थी पीसने में, इसलिए 1 ही चम्मच मेरे पास पिसी मिर्ची मैंने ली है। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और वही चम्मच से आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं अब चिकन के अंदर। इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर ऐड कर देना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना भूनने में आपको परेशानी होगी, पानी छूट जाएगा, चिकन गल जाएगा और आपका चिकन टूट जाएगा पूरा। तो मैं पहले इसको अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद में मैं 1 ही सीटी लगाऊँ, क्योंकि मैंने इसको फ्राई कर चुकी हूँ, मसाले के साथ भुना है तो गल जाएगा, उसके बाद 1 सीटी लगा के मैं बंद कर दूँगी, मेरा चिकन का सालन तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए चिकन में मसाला बिल्कुल से भुन चुका है अच्छे से, अब मैं थोड़ा सा पानी लगा के इसके अंदर और इसको मैं 1 सीटी लगा लूँगी। कब पानी डाल दिया इसके अंदर, ये मैंने लगा दिया इसमें पानी, अच्छा बॉयल आ रहा है। देखिए आपका सालन ना बॉयल आने पर भी ना ऐसे काला नहीं दिखना चाहिए, उसे येलो होना चाहिए अंदर से तरी हटने के बाद, और ऊपर से ये रेड तरी। अगर काला आपका सालन है तो समझिए आपका सालन जो है वो, उसका या तो मसाला जला है या फिर उसकी प्याज आपने जला दी है।
तो इसलिए ये चीज़ का बहुत ध्यान रखें। ये देखिए बॉईल हो रहा है तो भी मेरा सालन अंदर से येलो दिख रहा है, देखिए क्यों, क्योंकि प्याज भी परफेक्ट एकदम रेड थी और मसाला भी परफेक्ट भुना है। ये आपके सालन को खुद बता देगा कि आपका खाना कैसा बन रहा है। देखिए चलिए अब इसको एक लीड लगा के एक सीटी ले लेते हैं, इसके अंदर एक विसल लगा दी हमने सीटी इसकी। अब एक सीटी आने पर हम इसको बंद कर देंगे, प्रेशर में ही छोड़ देंगे इसको। तो ये मेरा आटा भी गून चुका है, आटा गून लिया मैंने, अब मैं के जल्दी जल्दी रोटी बनाऊंगी। एक सीटी आ चुकी है, अब इसको हम शिफ्ट कर देंगे बंद वाले चूल्हे पे, इस पर हम रखेंगे तवा। तो चलिए यहाँ पे हम ओपन करते हैं कुकर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, वाह लजीजम लजीजम, लुकिंग सो डिलिशियस। ये देखिए एकदम परफेक्ट सालन बना है, ना तो चिकन टूटा है और पूरी तरह से फ्राई है। देखो ब्राउन ब्राउन बोटियाँ हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद भी नहीं है कि सफ़ेद सफ़ेद सालन होता है ना, चिकन की बोटी बहुत गंदी लगती हो। ये देखिए माशाल्लाह, अब इसमें हम गार्निश कर देते हैं हरा धनिया, मैंने काट के रखा था। हरा धनिया ना आपने ज़्यादा डालना होता है सालन में, अगर आप ऐसे चार छः पत्ते डालेंगे ना तो उसका कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, खाली आप गार्निश करने के लिए डाल रहे हैं। फिर हरे धनिया की खुशबू होनी चाहिए आपके खाने में, आपको इतना डालना चाहिए कम से कम। हरा धनिया यार 10 रुपये का हरा धनिया आता है इतना सादा। ये देखिए माशाल्लाह, लुकिंग नाइस एंड ब्यूटीफुल एंड सो डिलीशियस। ये देखिए तरी माशाल्लाह से रोगन, तो चलिए डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ बन चुकी है मेरी रोटी, सालन चावल सब तैयार है मेरा, तो मेरा खाना हो गया। खाना खाओ पहले जल्दी से, बिस्मिल्लाह करो। पहला नहीं वाला तो मम्मा का ना, जल्दी चला इतना छोटू सा, पहले नहीं वाला मम्मी के हाथ से खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अच्छा बने, अरे बाप रे, मेरे बच्चे को सब चीज बहुत अच्छी लगती है मम्मी के हाथ की। आपकी मम्मी कैसा खाना बनाती है? गाइस इसी बात पे एक लाइक होना चाहिए, और गाइस मेरी मम्मी के चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। आई लव यू ऑल, कमेंट डालिए और सब्सक्राइब भर भर क्या कीजिए, लाइक भी कीजिए। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ढेर सारे लाइक ढेर सारे सब्सक्राइब करना आप लोग। खाना अच्छा लगा आपको? वेरी गुड। ये खा के फिर एग्जाम का याद करेंगे हम लोग, है ना? ठीक है, ईवीएस। अले बाप ले बाप, हाथ चूंगे मम्मा का। मेरा कलेजा, मेरा बच्चा मौला नजरे बद से महफूज रखे हमेशा, इलाही आमीन। फ्रेंड्स सो चुका है मेरा सारा काम, खाना वगैरह सब बन चुका है और गाजी को भी मैंने खाना दे दिया है, गाजी खा लिए, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी खाना खा रहे हैं। और मैं आई हूँ अपने ब्लॉग का एंड करने, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं लेट, 11:30-12 बज जाता है उनको, तो अकेले पड़ जाते हैं, इसलिए मैं उनके साथ में ही खाना खाती हूँ। और बस काम बहुत अर्जेंट चल रहा है उनका, इसलिए वो लेट आ रहे हैं, नाइट भी करना पड़ रहा है और सब
अगर वो हट जाएंगे तो बाकी कारीगर भी काम नहीं करेंगे रात में, इसलिए उनको रुकना पड़ता है वहाँ पे, और छोटा मोटा जो भी काम रहता है कोई नहीं कर रहा तो देखना पड़ता है उनको वहाँ पे, इसलिए वो रात में देर से आ रहे हैं, 12:30 उन्हें बज जाता है, कभी 11 बजे कभी 10 बजे ऐसे आ जाते हैं। तो हम लोग साथ में ही दोनों खाना खाते हैं। हाँ, गाजी को खिला देती हूँ, उसको सुला देती हूँ 11:30 बजे तक। वैसे तो कल सैटरडे छुट्टी है, लेकिन फिर भी उसकी नींद मैं नहीं, उसका टाइम, उसका स्केड्यूल नहीं ख़राब करती, क्योंकि फिर मंडे उठना उसको भारी पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जगाती। बहुत से बहुत 12 बजे तक टीवी देख के सो जाता है आज भी। तो बस यह मेरा व्लॉग था, शाम से मैंने स्टार्ट किया था, जो आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, जो मैंने रेसिपी शेयर की आप लोगों के साथ में, वो कैसी लगी आप लोगों को, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल में और बनाइएगा ज़रूर से। बनाएंगे, खिलाएंगे, लोग खाते रह जाएंगे। जिन्हें चिकन नहीं भी पसंद है ना, तो वो भी खा लेंगे। ये मेरी मम्मी के स्टाइल का चिकन का सालन है। ऐसे भी लोगों को उन्होंने खिलाया जो चिकन नहीं खाते थे ना, तो वो भी जब खाएं सालन, तो उन लोगों ने भी कहा है कि ऐसा चिकन का सालन तो हम लोगों ने खाया ही नहीं आज तक। खैर, अपना अपना टेस्ट है, हेटर्स तो यही बोलेंगे हम बड़े हाए हैं। खैर, इग्नोर। तो चलो फिर इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में वापिस।